Good morning, friends. Refrain from comparing with other traders. Have realistic expectations in your trading. Take time out every once in a while. Remember the times you were successful. Reward yourself after a profitable session. आज है 24 नवंबर 2022। डॉलर इंडेक्स अभी है 105.64। एज एक्सपेक्टेड उसी लाइन पे डॉलर इंडेक्स बिहेव कर रहा है। इट टुक रेजिस्टेंस एट 108 एंड उसके बाद ही ये नीचे की तरफ फॉल आया है। एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है ऑन डॉलर इंडेक्स। डॉलर रुपी ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस ले रहा है। एक इन्वर्टेड एमआर टाइप ऑफ फॉर्मेशन है देयर। दैट मीन द केस लोअर टाइम फ्रेम में हम सेल अपटेक्स कर सकते हैं ऑन डॉलर रुपी। जीबीपी डॉलर में एक मस्त अप मूव देखा गया है। अभी है 1.2112। एक सुपर बुलिश मूव में है एंड जो अभी का प्रोबेबल रेजिस्टेंस है वो है आपका 1.2250 से 1.2270 की तरफ। वहां पे जाके थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है दिस जीबीपी आईएनआर करेंसी पेयर। जीबीपी आईएनआर आल्सो ऑन ए अपवर्ड मोमेंटम बायस। ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका था दैट इज 93.4050 वो तोड़ के ऊपर चला गया है। अभी है 98.90 अभी है। ओके, सो अपवर्ड बायस है अभी। यूरो डॉलर अभी है 1.0440। एज एक्सपेक्टेड उसी लाइन पे ये ट्रेंडेड मूव कर रहा है। काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है ऑल करेंसी पेयर्स। यूरो आईएनआर में भी सिमिलरली अपवर्ड मोमेंटम है। जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाउंस बैक के बाद एक अपवर्ड मोमेंटम देगा। बाउंस बैक करके फिर अपवर्ड मोमेंटम में जा रहा है अभी 85.29। व्हाट नेक्स्ट अगेन शॉर्टर टाइम फ्रेम में पुल बैक के लिए इंतजार कीजिए। इंट्राडे में अगर खेलना है तो डॉलर यूरो 138.75 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप अगर हमारा प्रीवियस एनालिसिस देखोगे तो वहां पे हम लोग एंटीसिपेट कर रहे थे फ्रॉम हियर द रेजिस्टेंस लेवल। द फर्स्ट प्रोबेबल रेजिस्टेंस लेवल वाज 142.3050। अगर उसके ऊपर चला जाता है तो देन 145.25 था। दीज आर द टू प्लेसेस जहां से ये रिट्रेस कर सकता था, लेकिन पहले रेजिस्टेंस से ही ये रिट्रेस करना चालू कर दिया। अभी ये थोड़ा सा 138.50-138.70 में हल्का सा एक सपोर्ट बन सकता है, लेकिन जैसे ये तोड़ देगा देन एक शार्प डाउनवर्ड मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नैनर पे 0.5880 जैसे कि हमारा वो था पुल बैक के बाद एक अपवर्ड मोमेंटम अपवर्ड बायस और ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर चला गया है। देन देखिए अभी जो हमारा इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन आ सकता है वो होगा आपका 0.5975 से 0.60 की तरफ। डॉलर किंडी आपका है 1.3336। ये रेजिस्टेंस आपका 1.35 में लेके नीचे की तरफ जा रहा है। अभी इमीडिएटली जो 1.32 से 1.3225 की तरफ ये मूव हो रहा है। $80 वो है 0.6763। यहाँ पर भी पुल बैक के बाद अपवर्ड मोमेंटम अभी जैसे ये ऊपर हाई को तोड़ेगा फिर एक फ्रेश नया हाई बनाएगा एंड जो प्रोबेबल रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका 6.8090। CNH 7.13 आपका रेजिस्टेंस जो 1.7.18 के वहां से नीचे की तरफ जा रहा है बट ड्यू टू कोविड रिलेटेड न्यूज थोड़ा सा इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। यूके ऑयल आप मेरा प्रीवियस एनालिसिस अगर देखोगे 22nd मॉर्निंग का वहां पे हमने बोला था कि पिन बार बनाया हुआ है एंड देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज फॉर अगेन पिन बार क्या लू के आसपास टेस्ट कर सकता है एंड वहां से आप इसको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। इन बीइंग द केस यहां पे लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। US 10-year ट्रेजरी 3.6890 ये फिर नया लो बनाने का कोशिश कर रहा है आपका
अभी सीनियर को तोड़ने के बाद फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा 3.5 सेकंड की तरफ होगा। सो ये एक ओवर व्यू है करेंसी का कि क्या हुआ है एंड यहाँ से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे।